सी जो डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਾਈਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋਮਿਓਸਟੈਸਿਸ Now, today I am start with further characteristics of living organism. Living organism दे further character discuss करन जा रही हूँ. So first character is response. बेटा जितने भी living organism है गया, वो अपनी surroundings को लेके response करते. Surroundings को लेके response अगर साडे लगे कोई भी चीज हो रही है, तो से नू response देने हैं, ठीक है? अगर थोड़े लागो अगर तुसी जा रहे हो रोड ते जा रहे हो थोड़े लागो कुछ चीज निकल रही है ठीक है लाइक अ ट्रक निकल रहा है लाइक अ बस निकल रही है तो तुसी उस बस एंड ट्रक नु देख के साइड ते होंदे इट मीन्स असी रिस्पॉन्स देने हैं सो लिविंग ऑर्गेनिजम जेडे है रिस्पॉन्स देंदे ने देन अगर असी प्लांट्स नु लिविंग ऑर्गेनिजम दे विच काउंट करदे हां बिकॉज दे रिस्पायर दे मेक अ फूड ठीक है सो अपना फूड बना रहे रिस्पायर कर रहे स्क्रीट कर रहे ट्रांसपीरेशन कर रहे हैं सो जो प्लांट्स है वो भी अपनी सराउंडिंग्स नु रिस्पॉन्स देता है किस तरह रिस्पॉन्स देता है सनलाइट अगर मैं ये एग्जाम्पल देना चाहवा सो एग्जाम्पल है दैट इज सनफ्लावर सो सबनो पता है कि जो सनफ्लावर है गाए ठीक है जिधर साइड सन होएगा बिकॉज फ्लावर्स ग्रोस टूवर्ड्स लाइट फ्लावर्स उसे साइड ते ग्रो करेगा प्लांट उसे साइड ते ग्रो करेगा जिथे की उन्हें मिलेगी लाइट मिलेगी ठीक है स्टेम हमेशा ग्राउंड तो अवे जाती है ग्राउंड अगर ग्राउंड है तो स्टेम जो है हमेशा ग्राउंड तो ऊपर जाएगी जिधर वाली साइड की होएगी उदी लाइट होएगी सन लाइट होएगी इट मीन्स जो सनफ्लावर हैगा सनफ्लावर से एक करके बोल दे बिकॉज जिस साइड ते सन का फेस हुंदा है ठीक है उस साइड ते ही फ्लावर दे फेस हुंदा है सो फ्लावर का फेस जिवें जिवें सन रोटेट करता जाता है ठीक है कि मॉर्निंग तो लैके आफ्टरनून इवनिंग तक जिथे जो सन राइज कर रहा है ठीक है एंड छिप रहा है तो सन फ्लावर भी इसे तरह और इवनिंग टाइम तो अपना जो फ्लावर है वो अपना सिर डाउन कर लेंदा बिकॉज सन जो है लाइट नहीं मिलती सो सन फ्लावर डाउन हो जाता है सो इसे करके से सनफ्लावर कह रहे हैं ये रिस्पॉन्स किन कर रहे हैं सनलाइट इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज रिस्पॉन्स टू लाइट सो नेक्स्ट इज हीलिंग और रिपेयर सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज हीलिंग और रिपेयर सो बेटा वी ऑल नो दैट कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर कोई इंजरी हो जाती है ठीक है अगर कोई इंजरी हो जाती है तो असि उन्हें बहुत ही जल्दी रिपेयर कर लेने ठीक है लाइक इंजरी हो गई तो साडे ब्लड दे विच प्लेटलेट्स हुंदे ने ठीक है जो कि करदे ने साडे ब्लड नू क्लॉट करन च हेल्प करदे ने सो जिस पार्ट ते साडी इंजरी हुंदी है सो उथे जाके ब्लड नू क्लॉट कर दिंदे ने जमा दिंदे ने सो सानू भी पता है जदों साडे एक्सीडेंट हुंदा है इंजरी हुंदी है आफ्टर थोड़े टाइम बाद क्या हुंदा है क्लॉटिंग शुरू हो जाती है खून जमना शुरू हो जाता है जिदे करके ब्लड जेड़ा वो की हो जाता है ब्लॉक हो जाता है एंड हौली हौली लेयर बाय लेयर ऊपर ब्राउन लेयर आंदी रहती है एंड साड़ी जो इंजरी वो की हो जाती है रिपेयर हो जाती है ठीक है सो लाइक अगर मैं प्लांट्स की गल करा तो प्लांट्स अपने आप नू रिपेयर किदां करदे ने बेटा उहदे विच कैम्बियन एक्टिविटी हुंदी है ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬੀਅਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਸਟੈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਫਾਈਲਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕੈਂਬੀਅਮ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕੈਂਬੀਅਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ठीक है एंजाइम सिक्रीट कर दे ठीक है हार्मोन्स लाइक केमिकल कह सकते हो सिक्रीट कर दे ने जो इस प्लांट को हील करने से हेल्प करता है कैम्बियल एक्टिविटी असल में केमिकल की हेल्प करता है मान लो कि अगर एक सेल जेड़ा वो डिफेक्ट हो गया ठीक है
कैम्पियल एक्टिविटी की करता है, केमिकल सिक्रीट करता है जो सेल रिस्पॉन्स देता है तो फर्दर अगो एक तो काफी सेल बना दे। अगर एक सेल इंजर्ड हो गया है तो कैम्पियल एक्टिविटी फर्दर सेल बना दी जाएगी जिदे नाल ओ इंजरी की हो जाएगी फिल्ड हो जाएगी। सो दिस इज द कैम्पियल एक्टिविटी डन बाय द प्लांट्स फॉर रिपेयरिंग द इंजरी। सो प्लांट्स अपनी इंजरी रिपेयर करने लिए की करता है कैम्पियल एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज अडेप्टेशंस। सो यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज अडेप्टेशंस। बेटा अडेप्टेशंस होंदियां ने लाइक असी सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट तो लेके अपनियां जिहड़ियां अडेप्टेशंस हैगे अपनी हैबिट्स हैगियां ने हैबिटेट्स हैगे आ असी उहनां नूं चेंज कर सकते हैं। सो कुछ हैबिट्स जिहड़ियां होंदियां ने इत्थे मैं टू टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन बोल रही हां। दैट इज वन इज शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस एंड अदर इज लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस। सो बेटा टू टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस होंदियां, कुछ अडेप्टेशंस होंदियां ने जो साडी टेंपरेरी होंदियां ने। सो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन इज अ टेंपरेरी अडेप्टेशन जो असि जस्ट अपनी सराउंडिंग दे अकॉर्डिंग अपने आप नू बदल लैंदे आ। लाइक अगर समर हुंदी आ तो असि कॉटन क्लोथ्स यूज करदे आ, विंटर है देन वुलन क्लोथ्स यूज करदे आ। इट मीन्स असि सराउंडिंग नू लैके टेंपरेरी अपने आप दे विच अडेप्टेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म दे विच बेटा परमानेंट चेंजेस आ जांदियां ने। परमानेंट चेंजेस नहीं कह सकते, परमानेंट अडेप्टेशन आ जांदी है। ठीक है। सो अगर शॉर्ट टर्म दी मैं एग्जांपल डिस्कस करा तो शॉर्ट टर्म दे विच बेटा लाइक स्किन टैन, स्किन टैनिंग लाइक हुन समर डेज चल रहे हैं। ठीक है, तो असि इस एग्जांपल नु बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मीन्स जो स्किन टैन क्या हुंदी है। असि समर डेज च बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, साइकिलिंग करो या तुर के जाओ, साडी जिहड़ी अपर लेयर है दैट इज एपिडर्मिस जो की कर रही है ब्राउन इन कलर हो रही है बिकॉज इथे टैन जो टैन हो रही है स्किन। टैन क्यों हुंदी है बिकॉज साडे ब्लड दे विच एक केमिकल प्रेजेंट है दैट इज मेलानिन। मेलानिन MELANIN। सो मेलानिन क्या करता है, मेलानिन बेटा सनलाइट दे नाल बहुत अफेक्ट हुंदा है। जदों इनू सनलाइट ज्यादा मिलती है लाइक समर डेज दे विच तां मेलानिन की करदा, मेलानिन दी जिहड़ी क्वांटिटी उह राइज कर जांदी है। ठीक है, साडी स्किन च प्रेजेंट हुंदा है, इहदी क्वांटिटी राइज कर जांदी है। सो क्वांटिटी राइज करन नाल साडी स्किन की हो जांदी है, टैन। बट फिर भी जदों असीं अपने घर आने एंड विंटर डेज च अगर देखदे तां साडी स्किन जिहड़ी आ उह अनटैन्ड हो जांदी है, टैनिंग रिमूव हो जांदी है। इट मीन्स दैट इज अ शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन। शॉर्ट टर्म अडेप्ट सी, मेलानिन असल च साडी स्किन नू प्रोटेक्ट करदा है सनलाइट तो। अगर मैं लॉन्ग टर्म दी एग्जांपल डिस्कस करा बेटा लाइक जिवें बर्ड्स दे क्लोज क्या है, ठीक है, बर्ड्स दे क्लोज, सो देयर आर नंबर ऑफ बर्ड्स, स्मॉल्स भी है, ठीक है, लार्ज इन साइज भी है एंड उन्हां दे जो पंजे आ, ठीक है, लाइक तुसी अगर हैमिंग बर्ड दा नाम सुनिया होगा, हैमिंग बर्ड बेटा एक स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज बर्ड है जो काफी टाइम तक हवा दे विच खड़ा रह सकता है। इट मीन्स वो क्लिंग कर रहा है। मैं वर्ड मेंशन किया सी नोट्स दैट इज क्लिंगिंग। क्लिंगिंग मतलब कुछ बर्ड्स है बेटा वो एक चीज नू फड़ के खड़े रहिंदे। इट मीन्स उन्हां दे जिहड़े क्लोज ने वो उस टाइप दे होणगे कि उन्हूं ज्यादा चेर तक होल्ड कर सकन। देन अगर कुछ बर्ड्स की गल करिए, ठीक है, वो क्लाइंब भी कर लेंदे ने, ठीक है, हौली हौली मूव भी कर लेंदे ने, तुर भी लेंदे ने, वॉक भी कर लेंदे ने। सो इट मीन्स जेडे उन्हां दे क्लोज आ उस तरीके नाल अडैप्ट होंगे। सो जेडे नेल्स क्लोज ने बर्ड्स दे दैट इज परमानेंटली अडैप्टेड बिकॉज उन्हां दी अडैप्टेशन की आ, किसी ने क्लिंग करके, किसी ने फड़ के काफी टाइम बाद एक जगह ते खड़ना है, किसी ने वॉक करना है, किसी ने मूव करना है, सो दे जड़े क्लोज ने, ठीक है, उन्हां दी पर्चिंग बिहेवियर, असीं इहनू पर्चिंग बिहेवियर कहने आ। सो पर्चिंग बिहेवियर दे अकॉर्डिंग उन्हां दे जड़े क्लोज आ वो थोड़े डिफरेंट ने। नाउ बेटा आफ्टर